तो आज हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण के बारे में, जिसको आजकल लोग बेवफा पादुकोण भी कह रहे हैं। आज तक इन्होंने इतनी मूवीज नहीं करी जितने इन्होंने बॉयफ्रेंड बदल दिए भाई। हाँ तो भाई कैसे हो, मैं रोस्टिंग के चाहने वालों आ गए आपके लिए लेके और एक मजेदार वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और कलेश विद करण शो के बारे में। तो करण जौहर ने अपने शो में इन दोनों को बुलाया था और इसमें का दीपिका और रणवीर का कलेश इतना फेमस हो गया भाई कि उसने बिग बॉस को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इस बार बिग बॉस में जोकर ही जोकर भरे हुए हैं। I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back. तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो दीपिका ने अपनी हाई फाई लैंग्वेज में जो कहा आपको समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ, मैं हूँ ना। तो दीपिका ये कहना चाह रही थी कि भाई ये रणवीर से कमिटेड तो थी, बट साथ ही साथ ये रणवीर से बेटर भी ढूंढ रही थी, मतलब कोई और नहीं मिला तो रणवीर से शादी कर ली। ये तो वही बात हो गई ना भाई कि बाजार जाओ और अगर तुम्हें कोई शर्ट पसंद आ जाए तो उस दुकान वाले को बोलो कि भैया इसको साइड में रखना, इससे बेटर शर्ट मिली तो ठीक है वरना यही लेके जाऊंगी। ऐसा थोड़ी होता है भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये बात अगर दीपिका ने रणवीर को पर्सनली भी बताई होती ना तो बेचारा रो देता, पर इतने बड़े शो में दीपिका से बेइज्जत होने के बाद भी रणवीर ने एक शब्द नहीं कहा। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई रणवीर कितना लॉयल बंदा है, और जो दर्द रणवीर के अंदर है ना भाई वो उसके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है भाई। बट रणवीर ये सब डिजर्व करता है, और क्यों डिजर्व करता है इसका भी रीजन है मेरे पास। एक बार एक क्लिप देख लो भाई। रणवीर ने जो सुशांत के साथ पास्ट में करा था ना उसका ही फल मिल रहा है उसको आज। अभी तो तुमने बोला है वो सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू देम, तुमको अभी याद नहीं आ रहा? या नो आई कांट रिमेंबर द पीपल, आई रिमेंबर वेरी क्लियर। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे भाई, और कभी कभार रणवीर जैसे कट भी जाता है भाई। रणवीर और दीपिका ये बातें अपने घर में भी डिस्कस कर सकते थे, बट क्या करें, इनको तो करण जौहर के शो की फ्री की कॉफी पीनी थी ना। लो भाई फ्री की कॉफी, और ये फ्री की कॉफी रणवीर को इतनी महंगी पड़ी कि उसके जिंदगी के घोड़े ऊंट रेगिस्तान सब लग गए भाई। और हमारे गुप्त सूत्रों से उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि कॉफी विद करण में जल्द ही अभिषेक और ऐश्वर्या भी आने वाले हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? सल्लू भाई ने जरूर करण जौहर को बड़ा डंडा लगाया होगा भाई। करण जौहर की खुद की सेटिंग नहीं हो रही इसलिए ये सबके घर तोड़ने पे बैठा हुआ है भाई। इस शो का नाम कॉफी विद करण नहीं बल्कि कलेश विद करण होना चाहिए था। बिग बॉस के अलावा एक और चीज भी बहुत चल रही है आजकल, और वो है दीपिका और रणवीर की मीम्स। तो एक बार उन पे भी नजर डाल लेते हैं। सल्लू भाई मन में लड्डू फूटा। बिग बॉस में लोग झगड़ा होने का इंतजार करते हैं, और कॉफी विदकरण में लोग दूसरों का घर टूटने का। सल्लू भाई फिलहाल बिग बॉस छोड़ के कॉफी विदकरण के नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई कब आएगा कॉफी विदकरण और कब मैं देखूंगा बर्बादी इन लोगों की आया है। कब आएंगे ये दोनों और कब करण इनका घर तोड़ेगा भाई। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए, बिकॉज आई एम द सलमान खान फैन फ्रॉम चाइल्डहुड। लड़की बनने का वरदान मिले जी तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। करण जौहर के ये सब बोलने के बाद ही सलमान खान ने करण को इतना बड़ा डंडा लगाया होगा भाई, तभी तो ये ऐश्वर्या और अभिषेक को अपने शो में बुला रहा है उनका घर तोड़ने के लिए। सल्लू भाई करण को बोले होंगे भाई बहुत बोल रहा था तू, अगर तूने इन दोनों का घर नहीं तोड़ा तो मैं तुझे तोड़ दूंगा, ऐसी धमकी दी होगी सल्लू भाई ने करण जौहर को। ये सब क्या बोल रही है? डर्टी माइंड बॉस, डर्टी माइंड ओनली लेजेंड्स कैन अंडरस्टैंड बॉस। ये सब क्या मतलब क्या, मैं बॉडी की बात कर रहा था भाई, तुम लोग कुछ और सोच रहे थे क्या? बहुत तेज हो रहा है। डर्टी माइंड कहीं
मैं तो बिल्कुल संस्कारी हूँ भाई, बिल्कुल डर्टी माइंडेड नहीं हूँ भाई, एकदम भाई क्या बोलते हैं उसको, एकदम स्वामी टाइप भाई, मेरे को कुछ भी डबल मीनिंग समझ नहीं आते, बिल्कुल डर्टी माइंड नहीं है भाई मेरा, एकदम साइलेंट बच्चा हूँ मैं। यहाँ पर इनको डुप्लीकेट पार्वती, पार्वती नहीं क्या है, सरस नोई क्या है, परिणीति चोपड़ा सा, अच्छा तू बड़ा जानता है। बाबू भैया बिग बॉस में ये सोच के गए थे कि भाई इनको भी एलविश यादव के जैसे फेम मिल जाएगा भाई, सिस्टम सिस्टम करके, बट नहीं भाई, फिलहाल एलविश यादव का मार्केट ही डाउन है, वो कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए, ना तुम्हारे लिए वो बैनर लगाने वाला है, ना ही तुम्हारे जैसा कोई न्यू सॉन्ग लॉन्च करने वाला है तुम्हारे सपोर्ट में, वो तो बस अपनी इंस्टा स्टोरी में एक बार लगा देगा कि भाई यूके राइडर को सपोर्ट करो और खेल खत्म, तेरी सारी मेहनत बर्बाद है भाई, खाली फोकट में तू चला गया बिग बॉस में, एक तो तेरे चैनल की रीच भी डाउन हो रही है और इधर तेरी बिग बॉस में इज्जत भी डाउन हो रही है, जोकर बन के रह गया ये। तो जिन जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको बता दूं कि भाई दीपिका पादुकोण महेंद्र सिंह को भी डेट कर चुके हैं एक टाइम पे, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि विजय माल्या का बेटा, बहुत बहुत सारे लोग हैं भाई, देख लो स्क्रीन पे आप, मेरे को नाम याद नहीं है सबके। तो फिलहाल इस वीडियो के यही पे एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हमारे रॉ रियल म्यूजिक फैक्ट्री पे एक न्यू सॉन्ग आने वाला है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, जल्दी जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो और हमारा न्यू सॉन्ग जरूर से देखना, तब तक के लिए बाय बाय।